गुड मॉर्निंग एम बी ए थर्ड सेम, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन एंड द सब्जेक्ट इज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड वन ऑफ द टॉपिक ऑफ द थर्ड यूनिट दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द सेल्स बजट। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक फॉर्मुलेटिंग द सेलिंग स्ट्रेटजीज एंड व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू केयर अबाउट व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द सेलिंग स्ट्रेटजीज। ओके, सेलिंग स्ट्रेटजीज तैयार करने के लिए हमें क्या ध्यान में चीजें रखनी है। ओके, सो इट हैज टू डायमेंशंस। ओके, फॉर्मुलेटिंग सेलिंग स्ट्रेटजी, जब अपन ने सेल्स बजट डिसाइड कर लिया उसके बाद हम सेलिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं और उसके अंदर दो डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ सेल्स फोर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, व्हाट type of sales force are required and how many number of sales persons are required, मतलब किस तरह की sales force हमें चाहिए और कितनी quantity number में हमें sales persons चाहिए। okay, तो वो कुछ चीज़ों पर depend करेगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे what type of sales force। okay, what type of sales force you require। okay, so it depends on the first is expectations of the organization। expectations of the organization क्या है, उसके अंदर क्या क्या आएंगे, objectives of the organization, goals of the organization, वो उस पर depend करेगा कि आपको what kind of sales persons you require। okay, next one is each organization has its own strength and weakness regarding the sale of its product। okay, हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तो मार्केट में वैसे ही बिक जाएंगे। ठीक है, तो उनको एग्रेसिव सेल्स पर्सन की शायद जरूरत ना पड़े। ठीक है, जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती फिर भी उनकी प्राइस ज़्यादा है तो उनको एग्रेसिव सेल्स पर्सन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है, सेलिंग टास्क वेरीज फ्रॉम कस्टमर्स टू कस्टमर्स एंड मार्केट टू मार्केट। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, दो एक्सट्रीम्स होते हैं। ठीक है, एक तो एक सेल्समैन एक तरह का प्रोडक्ट डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट मार्केट में बेचता। ठीक है, एक सेल्समैन एक तरह का प्रोडक्ट डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट मार्केट में बेचता। ठीक है, तो वो जो सेल्स पर्सन है वो क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड है। ओके, वो क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स पर्सन। ओके, इसके विपरीत दूसरे तरह का जो सेल्स पर्सन है वो क्या करता है कि डाइवर्सिफाइड तरीके के प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर्स या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्केट में बेचता है। ठीक है, तो उस तरह का जो सेल्स पर्सन है वो क्या है, मार्केट स्पेशलिस्ट है या प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है। ओके, मार्केट और कस्टमर स्पेशलिस्ट। ठीक है, और पहले वाला जो था वो क्या था, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट था। ओके, सो दोनों तरह के एक्सट्रीम्स हैं मार्केट प्रोडक्ट मार्केट मार्केट एनालिसिस में। एक तरह का जो सेल्समैन है वो एक अलग अलग कस्टमर्स को एक तरह का प्रोडक्ट बेचता है और दूसरा जो सेल्स पर्सन है वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को एक कस्टमर्स को या उस पर्टिकुलर मार्केट को बेचता है। इस तरह से प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट एंड मार्केट स्पेशलिस्ट सेल्स पर्सन होते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह के सेल्स पर्सन की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रोल इन सिक्योरिंग ऑर्डर्स। ठीक है, अब जो सेल्स पर्सन का क्या रोल है फाइनली सिक्योरिंग ऑर्डर्स में। ओके, बहुत बड़ा रोल होता है सेल्स पर्सन का। कुछ सेल्स पर्सन क्या होते हैं, बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग द मोबाइल और सेलिंग द कंप्यूटर। ओके, या फिर कुछ सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं जो जिनके पास दे जस्ट वेट फॉर द ऑर्डर टू कम। ओके, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट टेंडर्स। ओके, और जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स होती है फॉर द प्राइमरी क्लासेस, ठीक है, उनका ऑर्डर आना। ओके, तो कुछ सेल्स पर्सन तो ऐसे होंगे जो बहुत एग्रेसिवली सेल्स करेंगे, ठीक है, ऑर्डर्स पाने के लिए, और कुछ सेल्स पर्सन ऐसे होंगे जो वेट करेंगे और ऑर्डर उनके पास ऑटोमेटिकली आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सेलिंग टेक्निक। ओके, ट्रेड सेलिंग। ट्रेड सेलिंग मतलब क्या होता है, इट इज जनरली डन विद द होल सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, टू मेंटेन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप
फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्रेड सेलिंग। ओके, नेक्स्ट वन है टेक्निकल सेलिंग। इसमें अंदर क्या होता है, एक एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट होता है मार्केट में, ठीक है, और जो सेल्स पर्सन होता है वो जस्ट एक टेक्निकल एडवाइस देता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कस्टमर को। ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज टेक्निकल सेलिंग। नेक्स्ट वन इज मशीनरी सेलिंग। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको एडवाइस देता है सेल्स पर्सन, जस्ट असिस्ट इन हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट एंड हाउ टू परचेज दैट प्रोडक्ट। ओके, सो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो मेडिसिन बेचते हैं, वो डॉक्टर्स को जस्ट जाके एक एडवाइस देते हैं कि आप ये तरह इस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है, सो दे जस्ट असिस्ट द डॉक्टर्स इन सेलिंग द मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट वन इज न्यू बिजनेस सेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी नया बिजनेस होता है उसका, कोई नया प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, नए कस्टमर्स को ढूंढना पड़ता है, ठीक है, एंड कन्वर्टिंग द प्रॉस्पेक्ट्स इनटू कस्टमर्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक्चुअल जो सेलिंग स्किल्स होती हैं वो यूटिलाइज होती है कन्वर्टिंग द प्रॉस्पेक्ट्स इनटू द कस्टमर्स। ओके, सो दिस इज नोन एज न्यू बिजनेस सेलिंग। What number of sales persons are required? ठीक है, that also depends on the organization objectives, plans, policies. Okay, so there are two facts, two less. Okay, अगर आप कम रख देते हैं, ठीक है, सेल्स पर्सन जितने रिक्वायर है उससे कम रख देते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, और जो अपॉर्चुनिटी आपके पास थी, ठीक है, मार्केट कैप्चर करने की और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ग्रैब करने की, वो आप अपॉर्चुनिटी खो सकते हो, ठीक है, तो बहुत कम बिग सेल्स पर्सन नहीं रख सकते, टू लार्ज अगर आप रखते हो देन रिक्वायर्ड, ओके, देन देर इज अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, बोनस देने पड़ेंगे, ठीक है, जितनी भी कॉस्ट उनकी आपको इनकर करनी पड़ेगी जो सेल्स पर्सन की, ठीक है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द सेल्स पर्सन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट सेल। ओके, सो देर आर टू डायमेंशन, वॉट टाइप ऑफ सेल्स फोर्स यू रिक्वायर एंड हाउ मेनी सेल्स पर्सन आर रिक्वायर्ड टू सेल द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट और डाइवर्सिफाइड टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू।